क्राइम ब्रांच यूनिट एक द्वारा विभिन्न टीमें गठित कर तीन अलग अलग मामलों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बार फिर एक नाबालिग का समावेश सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पहली कार्रवाई में वांछित एक नाबालिग आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो कि चोरी के चार मामलों में फरार था, जबकि नाबालिग पर कुल 20 मामले दर्ज होने की जानकारी है। अमला मेरेला गुप्ता माहिती अनुसार दिनांक 11/7/2023 रोजी EPI गुप्ता PSI ठाकरे यांच्या माध्यमातून वेगवेगळे पथक तयार केले। एक पथक सोनेगाव बेंतोडी हद्दीमध्ये गेले असता एक नाबालिग आरोपी हा जो चार गुन्ह्यामध्ये फरार आहे तो मिळून आला। त्याला विश्वासात घेतल्यावर असे कळले की बेंतोडीमध्ये 392 गुन्ह्यामध्ये फरार आहे। कुडकेश्वरच्या 319 मोटरसायकल चोरीमध्ये फरार आहे आणि सक्करदरा पोलीस स्टेशनच्या सुद्धा एका मोटरसायकल चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये फरार आहे। तो गुन्हेगाराच्या सवयीचा असून त्याच्यावर जवळपास 20 गुन्हे दाखल आहेत। त्यास ताब्यात घेऊन बेंतोडी पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात दिले व पुढील कारवाई करण्यात आली। दूसरी कार्रवाई में पेट्रोलिंग करते समय पुलिस की टीम को जानकारी मिली कि रवि कुमार दहिया नामक एक आरोपी के पास घातक शस्त्र है। जब जानकारी पर पुलिस ने आरोपी के कमरे की तलाशी ली तो पुलिस को हकीकत में धारदार चाकू जैसे घातक शस्त्र आरोपी के कमरे से बरामद हुए, जिस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल आरोपी को MIDC पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तसेच दुसरे पथक हे MIDC भागामध्ये पेट्रोलिंग करत असताना रवी कुमार दही या नावाच्या इसमाजवळ शस्त्र आहे अशी माहिती मिळाल्याने त्याचा शोध घेऊन त्यास तपासले असता त्याच्या कमरेत एक लोखंडी चाकू मिळून आल्याने त्याच्यावर 4/25 आर्म्स ॲक्टप्रमाणे कारवाई करण्यात आली। तो सुद्धा गुन्हेगाराच्या सवयीत असून त्याच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल आहेत। त्याला ताब्यात घेऊन MIDC पोलिसांनी तीसरे मामले में कपिल नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मोहम्मद कैफ नामक आरोपी, जो कि मोबाइल स्नैचिंग के मामले में वांछित था, उसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया और चुराए गए मोबाइल को आरोपी के पास से जब्त कर आरोपी को कपिल नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले की अधिक जाँच में कपिल नगर पुलिस जुट गई है। कैप नावाचा इसम जो मोबाईल स्नॅचिंग च्या गुन्ह्यामध्ये समाविष्ट होता, त्याने तो गुन्हा केला होता, त्यासुद्धा आम्ही शिथापीने माहिती घेतली, गुप्त बातम्या माहिती घेऊन त्यास अटक केली। त्या जो मोबाईल वगैरे मिळाला चोरीचा त्यास ताब्यात घेऊन कपिल नगर पोलिसांच्याकडे पुढील कारवाई देण्यात आली। शहर में बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच अब शहर पुलिस यंत्रणा सक्रिय हो चुकी है, जिसके चलते कई मामलों का पर्दाफाश पुलिस द्वारा किया जा रहा है। यकीनन ये अपराध मुक्त शहर का मजबूत पड़ाव साबित होगा। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।